वेलकम टू फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, तथा अब हमारे चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। तथा डियर चाइल्ड, हम लोगों ने यूपी टेट का एक नया बैच स्टार्ट कर दिया है 3 बजे से 5 बजे, यूपी टेट 2019। तो आप सब लोग जो हैं जल्दी जल्दी आप एडमिशन ले लीजिए। धन्यवाद। आज हम लोग आपको सिंपलीफिकेशन का जो टॉपिक था, जिसकी प्रॉब्लम्स थी कल, आज उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। उसकी प्रॉब्लम मैंने नोट कर दी थी, जो आप क्लासरूम से जो प्रॉब्लम आई थी उनको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। तो वन बाय वन करके मैं इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करता हूँ। बच्चों, आप इनको अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक तरीके से करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 17 नंबर प्रॉब्लम थी, कहता है 7/128 इंटू एक्स प्लस 595 इजिकल टू 833। बेटे, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रही है, 88 लिखा था, यहाँ 833 है, तो इसको ठीक करेंगे। 595 प्लस है, बराबर से इधर ले जाएंगे, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 7/128 इंटू एक्स इजिकल टू 833 माइनस 595। 13 में से 5 गए 8, 12 में से 9 गए 3, 7 में से 5 गए 238 बराबर एक्स इंटू 7/128। अब देखते हैं हम लोग एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स इजिकल टू 238 बाई इंटू 128 बाई 7, 7 21 बच गए 2, 7 चौक 28, एक्स बराबर 34 इंटू 128। इससे आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इतनी बात सीखने में हुई हो, वो हमसे कंसल्ट कर सकता है। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आवे तो कमेंट करके बता देगा। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर आता है भैया, सवाल नंबर आता है बेटे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1/8 इंटू ब्रैकेट शुरू 223 प्लस एक्स इजिकल टू 71। माई डियर चाइल्ड, इस सवाल में क्या करना होता है, कायदे में तो इन दोनों का सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन इनको सोल्व नहीं कर सकते। तो ये 8 डिवाइड में लिखा है, इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 223 प्लस एक्स बराबर 8 × 8 = 56। 223 प्लस के दर्जा का हो जाएंगे माइनस के, एक्स इजिकल टू 568 माइनस 223, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो पूछ सकता हम लोगों से। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर 19 नंबर कहता एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड ब्रैकेट बंद मझला बंद बड़ा बंद। माय डियर चाइल्ड, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटा इसको रेखा। जब भी हम ब्रैकेट को खोलेंगे, नंबर 1 पे क्या करेंगे 1, 2 पे इसको, 3 पे इसको, 4 नंबर, तो ब्रैकेट वाई माइनस जेड करना है। अब वाई में से जेड घटा नहीं सकते हम लोग, तो बेटे ब्रैकेट खोलना डेफिनेट है। तो ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे, बाहर किस चीज का निशान है, माइनस का, अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग पिक्चर है, तो इनको ना जोड़ सकते ना घटा सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट वन स्टेप होगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, अब जैसे ही बाहर माइनस है इसको खोलूंगा, अंदर के चिन्ह, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड देन ऑफ। अब देखो, माइनस का जेड है और प्लस का जेड है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब फिर एक्स माइनस वाई माइनस, अब बाहर माइनस का चिन्ह है, माइनस का एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, माइनस के माइनस में गुणा करूंगा तो प्लस का एक्स, माइनस का वाई
देन बंद, अब फिर दोबारा से एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, देखो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल, प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल, तरह इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो इतनी बात सीखने, वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। ऑल क्लियर, नेक्स्ट वन, नंबर आता है 20, 20 नंबर, 222 माइनस 1/3 का मंझला ब्रैकेट शुरू, 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 बार बंद बंद प्लस 108 ब्रैकेट बंद। तो हम लोग इसको कहां से शुरू करेंगे, हमने अभी सिखाया कि सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, लेकिन ये रेखा ब्रैकेट माइनस से पहले, तो हम लोग ये 8 प्लस कर 9 प्लस का, 8 9 कितने हो गए 17। अब 56 में से 17 घटाने हैं आपको, 16 में से 7 गए 9, 4 में से 1 गया 3, 39 प्लस 42 बंद बंद का 1/3 ब्रैकेट शुरू 222 प्लस 108। देन अब देखो 9 2 11, 3 2 4 3 7 1 8 गुणा 1/3 प्लस 108 माइनस 222, 3 27 बार 222 माइनस 27 प्लस 108। मेरे हिसाब से आगे आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको सोल्व आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत होगी तो कमेंट कर देंगे, मैं उन दिक्कतों को क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। नेक्स्ट वन सवाल आता है 21, यस 21 नंबर क्वेश्चन, कहता 5 माइनस 3/4 प्लस 2 से 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7। माय डियर चाइल्ड, बड़े आराम से हम लोग सवाल को देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7, तो हम लोगों को 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7 करना है। टोटल का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, पूरे के पूरे का हर बराबर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां अगर मैं 21 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो 21 2 42, यहां 7 6 42, यहां 6 7 42। तो आप देखेंगे 21 प्लस 7 माइनस 6/42, 21 और 7 28 में से 6 के 22/42। किसी को दिक्कत लगी तो इसको मैं रख देता हूं 42/22 माइनस 2 2 4 1 5/2 बंद प्लस 3/4 माइनस 5। शुरुआत करते हैं ऊपर नीचे 21 तक गुणा, 21 5 105/42, इसको खोल रहा हूं बेटे, माइनस 22/42, 5 में से 2 गए 3, 10 में 2 गए 8, 83/42। अब बेटे 83/42 प्लस 3/4 माइनस 5। बेटे अब मैं इसको करूंगा सोल्व, अब या तो पूरे को कर लो या फिर 21 चौक 84, टेबल याद होनी चाहिए, और 42 दूनी 84, तो आप देखेंगे 21 63/84 जमा 3 2 6 8 2 16 166/84 माइनस 5, 6 3 9, 6 6 12, 1 और 1 200/84 माइनस 5। अब फिर डिनोमिनेटर कर लेंगे ऊपर नीचे कितने से गुणा करके, 84 से गुणा करके डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो इतनी बात सीखने में, पूछ सकता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन सवाल नंबर आता है 23, यस 23, 9 माइनस 3 से 3/11 का 1 से ही 1 2/9
भाग 7/9 का 5 सही, 1/7। यस, हम लोग किससे शुरुआत करेंगे? का से। पहले तो उसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 9 - 11 थी 33, 3 36 बटे 11 का 9 * 1 = 2 11/9 भाग 7/9 का 7 * 5 = 35 और 1 36/7। अब आप देखें का मतलब गुणा, 11 से 11 कैंसिल, 9 * 4 = 36, 7 से 7 कैंसिल, 9 * 4 = 36। अब देखें 9 - 4 डिविजिबल 4, तो 4 से 4 को डिविजिबल करेंगे तो कितना आएगा 1। 9 - 1 = किसके? 8 के। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो पूछ सकता है। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर कहता है 2 + 2 * 2 / 2 / 2 / 1/2 ऑफ 1/2 / 1/2 + 1/2 ऑफ 1/2। तो आपको सवाल से घबराना नहीं है, छोटे से छोटे चीजों में आपको ध्यान लगानी है। पहले ये वाली लाइन सोल्व करेंगे हम लोग। 2 * 2 = 4 और 2 * 6, 2 * 1 = 3। ध्यान लगाएंगे बेटे, सॉरी, 2 * 2 भाई, 2 * 2 और 2 * 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। और 2 * 3 = 6, तो इस सारी वैल्यू का मान कितना आ गया? 3। अब बेटे इसको देखो, 1/2 एज इट, का मतलब क्या होता है? गुणा। 1/2 / 1/2 = 4 / 1/2 + 1/4, का मतलब मल्टीप्लाई, 2 * 2 = 4। ओके, अब बेटे डिविजिबल का निशान है 1/2 * 4/1, 2 * 2 = 4 मैंने बताया, भाग की जगह गुणा का निशान, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। इसका मीनिंग आ गया 2/1, यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा, 2 और 1 = 3/4, बाहर की बाहर गुणा अंदर की अंदर गुणा। तो आप देखेंगे इसका मान 3 भाग 4 * 8/3। अब मैंने सीखा 3 भाग की जगह गुणा का निशान, 3/8। आप देखेंगे 3 * 3 = 9/8, इसका आंसर आता 9/8, 9/8 या 1 से ही 1/8। नेक्स्ट 26 नंबर, 26 नंबर क्या कहता है? 1/2 / 1/2 ( 1/2 / 1/2 + 1/2 ( 1 से 1/2 / 1 से 1/3। तो कोई दिक्कत नहीं माननी, हम लोगों को स्लो स्लो करना, पहले ये वाली लाइन सोल्व करनी फिर ये वाली लाइन सोल्व करनी। 1/2 का मतलब गुणा, 1/2 / 1/2 = 4। पहले इसको ही कर लेते हैं, 1/2 गुणा का निशान 4/1, 2 * 2 = 4, अर्थात इसकी वैल्यू कितने आ गई? 2/1। अब इस वाले को करता हूं, का मतलब गुणा, 1/2 * 4 जमा 1/2, ऊपर नीचे 2 से गुणा, 3/4, ऊपर वाले का माना 2/1 / 3/4, बाहर की बाहर गुणा अंदर की अंदर गुणा, तो आप इसे लिखेंगे 8/3। अब इस वाले को देखते हैं, 2 * 2 = 3/2 / 3 = 4/2, बाहर की बाहर गुणा अंदर की अंदर गुणा। जब आप इसको करेंगे, यहाँ डिविजिबल का निशान 3 * 6 / 4 * 8, एज इट पहली बिन, भाग की जगह गुणा का निशान 8/6, 2 * 3 = 6 / 2 = 8, 8 * 4 = 32/9, यही आपका आंसर होगा 32/9। कोड आउट। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। 2 * 1/2 का 3/4 गुणा 1/2 भाग 3/2 जमा
एक बटे दो भाग, तीन बटे दो ब्रैकेट शुरू, तीन दो बटे तीन माइनस एक बटे दो का दो बटे तीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये वाली चीज सोल्व करनी है, दो बटे तीन माइनस एक बटे दो। अब का मतलब क्या होना, दो से दो गया, एक बटे तीन, ये दो बटे तीन में से एक बटे तीन जाएगा, कितना बचेगा, एक बटे तीन ही बचेगा, गुणा का निशान है। दो दुनी चार, एक पांच बटे दो का तीन बटे चार गुणा एक बटे दो भाग तीन बटे दो जमा एक बटे दो भाग तीन बटे दो गुणा एक बटे दो बटे एक बटे तीन। अभी इसको सोल्व किया था तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, एक बटे तीन। अब यहां आप लोग ध्यान देंगे, ये क्या होता है, गुणा का निशान इसके बीच में आती है। तो हम लोग इसको पूरा का मतलब गुणा, पांच तीय 15/8 गुणा एक बटे दो गुणा दो बटे तीन जमा एक बटे दो गुणा दो बटे तीन गुणा एक बटे तीन। अब दो से दो कैंसिल, 3 5 15, 5/8 जमा दो से दो कैंसिल, 1/9। अब इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर कितना, 33। 33 नेक्स्ट 33, 3 से 1/4 माइनस 4/5 का 5/6/4 से 1/3 डिविजिबल 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 से 1/5 बटे 4 तीय 12 1 13/4 माइनस 4/5 गुणा 5/6, 5 से 5 गया, 2 दूनी 4 2 तीय 6, 13/4 माइनस 2/3। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 3 की गुणा ऊपर नीचे, 4 की गुणा ऊपर नीचे, 13 तीय 39 में से 8 गए 31/12। अब भैया 4 तीय 12 1 13/3 भाग 1/5 माइनस 3/10 जमा 21 5 105 और 106/5, ये हल करेंगे ऊपर नीचे कितने से गुणा, 2 से। 13/3 भाग 1/5 माइनस 3/10 जमा 212/10 अर्थात 215/10 माइनस 1/5, 5/1 भाग की जगह गुणा का निशान, 13/3। तो इसको लिख दूंगा 13 5 65 बटे तीन माइनस 215/10। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, हर बराबर करेंगे, यहां 10 की गुणा ऊपर नीचे, यहां 5 के ऊपर नीचे, 3 की गुणा 650/30 माइनस 645/30 5/30 अर्थात 1/6। ऊपर वाली भिन्न का मान 31/12 और नीचे वाले भिन्न का मान 1/6, बाहर की बाहर गुणा अंदर की अंदर गुणा, 31 गुणा 6/12, 6 दुनी 12, 31/2 या 1/2। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर आता है 35, 35, 35 नंबर आता है। यस, 35 नंबर की बात करें, 9 9 9 9 8 by 9 9 into 99। 34 और 35 एक जैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ कॉमन सोमन तो ले नहीं सकते, अगर कॉमन भी लेंगे तो हम लोग को कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा। बेटर तरीका तो यही है कि हम लोगों को इसकी मल्टीप्लाई इसमें
999 इंटू 99 प्लस 98 बाई 99 इंटू 99। इस 99 से 99 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 999 इंटू 100 माइनस 1 प्लस 98। 99900 जैसे इसमें गुणा करूंगा, 999 प्लस कितना 98, तो हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, 2 - 997/999 डॉट 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 है यहाँ। देखो बेटे, 3 × 6 = 5/3 गुणा 5 × 10 = 3 गए 7/5 गुणा 7 × 14 = 5 गए 9/7 डॉट 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 999/997 गए 1001/999। माय डियर चाइल्ड, 5 से 5, 7 से 7, 9 तो 9, 999 से 999, क्या बच गया, 1001/3। यही मेरा क्या है आंसर। सवाल नंबर 39। यस, अभी a इज इक्वल टू 1 + 1/10 + 1/10 अगर मान लो, और b इज इक्वल टू 1 - 1/10 + 1/10 अगर मान लो, तो मेरे विचार से आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो आप देखेंगे सवाल को ध्यान लगा के, यू ए गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी, यानी कि अब इसको अगर हम लोग लिखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी करना पड़ेगा। ए कौन है, 10 = 101/10, 10 चला जाएगा यहाँ, 101 की कम 101 और 10, 111/101, 10 = 101, ये 10 चला जाएगा यहाँ, 101 की कम 1 में से 10 गए 99, सॉरी 101 की कम 101 में से 10 गए 91 बाई 101 बटे 111 में से 91 में गए जाएंगे, तो 20/101 बचेगा, यही आपका आंसर है माय डियर चाइल्ड। ये अच्छा 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर 40 कहता है 1 + 1/x + 1 बंद, 1 + 1/x + 2 देन बंद, 1 + 1/x + 3 देन क्लोज, 1 + 1/x + 4 देन क्लोज, कहता है क्वेश्चन मार्क। माय डियर चाइल्ड, डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, x प्लस 1 की यहां गुणा करोगे, x प्लस 1 प्लस 1 बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस 1 बटे x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 प्लस 1 बटे x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 प्लस 1 बटे x प्लस 4। तो आप देखेंगे यू एक्स प्लस 2 हो जाएगा 1 और 1 = 2 बटे x प्लस 1 गुणा यू एक्स प्लस 3 हो जाएगा बटे x प्लस 2, यू एक्स प्लस 4 हो जाएगा बटे x प्लस 3, यू एक्स प्लस 5 हो जाएगा बटे x प्लस 4। अब देखो आप, अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 4 से x प्लस 4, x प्लस 5 बटे x प्लस 1, दैट इज द आंसर। माय डियर चाइल्ड, ये सरलीकरण की प्रॉब्लम थी, आज मैं सरलीकरण की कर पाया प्रॉब्लम सोल्व, कल जो है वर्गमूल गलमूल की भी मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।